हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 10 मिनट पहले ही जो है उत्तराखंड फॉरेस्ट वन दरोगा का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया था। तो स्क्रीन पर जो आपको हैशटैग दिखाई दे रहे हैं, उनका इस्तेमाल जरूर आप करें। सोशल मीडिया पे यानी कि ट्विटर पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लें और सारे तरीके से यानी कि जिस तरीके से आप हो सकता है अपनी ओर से इसमें सेवा दें, अपना योगदान दें, क्योंकि इसको किसी भी हालत में हमें इस भर्ती को या तो फिर SIT की जांच हो या तो फिर इस भर्ती को कैंसिल करा के हमें फिर से जो है ऑफलाइन एग्जाम करवाने। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के जो CM है, मतलब CM की जो दावेदारी रखते हैं, उन्होंने भी अब इसमें अपना जो है पक्ष रखा है। क्या रखा है, कुछ भी है, जो भी है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ आपके अंदाज में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ अब आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अजय कोठियाल जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है। पहले उस ट्वीट को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले कई महीनों के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वन दरोगा भर्ती का रिजल्ट जारी किया, जिसमें हमेशा की तरह युवाओं के साथ धोखा हुआ है। परीक्षा परिणाम में बड़े स्तर पर धांधली की शिकायत परीक्षार्थी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह धृतराष्ट्र बने हुए हैं। हालांकि ये तंज है गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने युवा भाई बहनों को आश्वस्त करते हैं कि मार्च में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सरकार आने के बाद इस पूरे मामले को निष्पक्ष जाँच की जाएगी और दोषियों को सख्त से सजा दी जाएगी। यानी कि जो CM कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी आई थिंक जब सत्ता में आएंगे वो तब की बात कर रहे हैं। हालांकि इसका तो राजनीतिकरण जो है पूरी तरीके से हो गया है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो वन दरोगा की परीक्षा हुई थी वो 18 शिफ्टों में हुई थी, जिसमें 1800 प्रश्नों में से 332 प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है यह कहकर कि यह आउट ऑफ सिलेबस है। यानी कि जो पहले से जो इन क्वेश्चंस को बना रहे थे वो हमारे बुद्धिजीवी थे, वो इतनी बुद्धिजीवी थे कि पता नहीं कौन सा वो ऐसा नशा करके आते थे कि उन्हें उस समय जब ये पेपर बना रहे थे उनको समझ में नहीं आया कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की राय पर यह हुआ है और ना जाने वो एक्सपर्ट कौन से थे, कौन से बुद्धिजीवी थे जो कि इतने बड़े डिसीजन लेने के बावजूद बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इन्होंने हुआ है। तो माननीय उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा करवाने से पहले इन सवालों का पता नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं था। अगर होता तो वो ऐसा करते? परीक्षा से पूर्व कहा गया था कि ये एक्सपर्ट की कमेटी है। तो सोचिए कैसे एक्सपर्ट की कमेटी है जिसको ये खुद नहीं पता कि जो वो क्वेश्चन बना रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस, वो भी 1800 क्वेश्चन बनाए गए थे 18 शिफ्ट में। क्यों जानबूझकर ऐसे सवाल डाले जाते हैं 60 वाले पार और 70 वाले बाहर। धन्य हो UK जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उसके अलावा जो हमने आपको बताया कि आप ट्विटर पे जाकर भी जो है अपनी राय रख सकते हैं, हमारे कई दोस्तों ने उस पर राय रखी है, हमने भी राय रखी है। तो ट्विटर पे जाएं और मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप ट्विटर पे हो तो हमको टैग करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हमारी ओर से भी जितना आवश्यक हेल्प हो सकेगी हम अपनी ओर से ज़रूर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हर बेरोजगार जो है अपनी अपनी ओर से अपनी राय रख रहा है। तो आप भी अपनी राय रखें और किसी भी हालत में इस भर्ती को या तो रद्द हो या तो SIT के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच हो। आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर मुझे आप इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो करना मत भूलना। जब तक कोई भी अपडेट जो है फॉरेस्ट वन दरोगा भर्ती से रिलेटेड आएगा हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।